तो आप सबको भी ये सलाह दे रहा हूं कि ग्रस्त होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ग्रहासक्त होना ये बुरी बात है। आप ग्रहस्थ बने इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ग्रहासक्त नहीं होना चाहिए। अगर ग्रस्त है और 5 यज्ञ करता रहे तो फिर वो साधु हो गया। सानंदम सदनम सुतास्य सुधिया कांत प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धने सुवासित रति मिष्ठान पानम ग्रहे साधो संगम उपासते प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थाश्रम। अगर ग्रस्त 5 यज्ञ करता है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, नित्य जब भी प्रातः आंख खुलती है, जब भी स्नान करते हैं, तो कोई ना कोई महात्माओं महापुरुषों के द्वारा बनाया हुआ किसी ना किसी धर्म ग्रंथ का थोड़ी देर पाठ करना चाहिए, 1-2 माला जप भी कर लेना चाहिए गुरुदेव ने जो दिया हो। और बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो तो 1 यज्ञ तो कर ही सकते हो। पहली रोटी बने तो गाय को देना चाहिए, ये ग्रस्त का यज्ञ है। अब प्रतिदिन भगवान से ये मांगना चाहिए कि प्रभु ऐसा कोई दिन ना हो ये भोजन बने और हम अकेले ही खाएं, कोई ना कोई तो ऐसा भेज ही देना जो अपने भाग्य का ले जाए। आप स्वयं खा रहे हैं ये कोई विषय नहीं हुआ, किसी को खिला के खाना एक ग्रस्त जीवन का धर्म है। कोई अपने द्वार पे आ जाए भूखा ना रहने पाए हैं। ये हमारे यहाँ छोटी छोटी बातें हैं, बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इतना ही करते रहिए, पहली रोटी गाय को दे दीजिए। और आजकल हम देखते हैं कि गाय पॉलीथिन खा के मर जा रही है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बड़ा विचित्र विडंबना है कलिकाल की, इसलिए भगवान को आना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का आने का एजेंडा ही है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवता। माई और बाबा दोनों लोग कैलाश पर विराजे हैं और मैया ने बाबा से कहा, बाबा मैं आपसे ये तो नहीं बोल रही हूं कि इधर में कोई भवन हो, कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग हो, लेकिन बाबा ये खुले में ही रहना, कम से कम 1 रूम तो होना चाहिए, कोई तो यहां कमरा भी नहीं दिख रहा, ये खुले में ही रहना है क्या? बाबा ने कहा, देवी उमा अपने भाग्य में ही नहीं लिखा है मकान में रहना। अरे बाबा आप बनवाते ही नहीं होंगे ऐसा कह रहे हैं। देवी हम जो कह रहे हैं वो पक्का है, भाग्य में लिखा ही नहीं है। अच्छा तो आप बोलो तो बनवाऊं। हाँ बनवाइए। विश्वकर्मा को आदेश मिल गया, कैलाश पर्वत पे जगह का नाप तौल हो गया, वास्तु का नक्शा बन गया, सोने के पिलर, सोने की छतें, सोने की दीवालें, सोने के खंभे, सोने के सब कुछ सोने का ही लगाया गया, बन के सुंदर महल तैयार हो गया। देखो बाबा आप तो कह रहे थे कि अपने भाग्य में मकान में रहना लिखा ही नहीं, ये तो बन गया। बाबा ने कहा बन तो गया, लेकिन ये तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि मकान में रहना अपने भाग्य में नहीं लिखा, तो बन गया है अब कौन सा प्रॉब्लम खड़ा होगा? बोले तो चले इसी में रहें क्या? नहीं ऐसे नहीं रहना है बाबा, पहले कबारी भोजन हो, साधु भोजन हो, हवन हो, वास्तु पूजा हो, ग्रह प्रवेश हो, ऐसे थोड़े ही चलेगा, तो कौन कराएगा? बाबा ने कहा कि वैसे तो हमारा चेला ही है, लेकिन वेद का इससे बड़ा जानकार कोई नहीं है धरती पर, कहो तो रावण को बुलाऊं। हाँ बाबा बुलाइए, बड़ा अच्छा है। बोले ब्रह्मचारी ये पढ़ता ही था उस समय, वेद का पारंगत विद्वान है, बुलाया उसको। उसने विधिवत ग्रहयाग बना करके विधिवत कर्मकांड का पालन बढ़िया से गृह प्रवेश करा दिया। अब ये एक शास्त्र की विधि है, नियम है, वेद में इसका वर्णन है, इसको मुंबई वाले भी समझ लें। किसी भी आचार्य के द्वारा आपने कोई भी अनुष्ठान कराया है तो आचार्य को दक्षिणा देकर प्रणाम करके सेवा करके प्रसन्न करके भेजना चाहिए, आचार्य को कभी नाराज करके नहीं भेजना चाहिए, ये धर्म होता है, तो आचार्य को प्रसन्न करना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा कि वैसे तो तुम हमारे चेले हो, लेकिन यहां आचार्य पीठ पे आए हो तो बोलो दक्षिणा में क्या चाहिए।
रावण ने कहा कि जब अन्नपूर्णा देने वाली हैं, बाबा बैठे हैं, तो जी भर के मांगना चाहिए। हाँ मांग लो, मिलेगा बाबा, मिलेगा। हाँ पक्का मिलेगा, बोलो। बाबा ये महल अच्छा लग रहा है, ले जाऊं? बोले ले जाओ। वो बना बनाया उठा के ले गया। बाबा ने कहा बोलो फिर बनवाऊं? माई ने कहा अब नहीं बनवाइए।